अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं पाकिस्तान से वापस आ चुकी हूँ आयरलैंड, तो मैं सोचा कि पाकिस्तान के व्लॉग्स के साथ साथ मैं आप लोग के साथ आयरलैंड का व्लॉग भी शेयर करती हूँ। तो आज हम आए हैं यहाँ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे आज़ादी मेला देखने के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है इन्होंने सजाया हुआ था, बहुत अच्छी तैयारी की हुई। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत जो है स्टॉल्स लगे हुए थे, ज्वेलरी थी बहुत प्यारी प्यारी, जैसे ऐसे ही लग रहा था जैसे हम जो है पाकिस्तान के किसी बाजार में आ गए हुए हैं। बहुत ही प्यारे स्टॉल्स जो है वो उन्होंने सजाए हुए थे। यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें जो है ना वो देखने को मिली, जैसे कि स्टॉल्स का कंपटीशन था कि किसने जो है सबसे अच्छा स्टॉल्स सजाया हुआ है, और फूड कंपटीशन भी था। और यहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही है, यहाँ पर भाभी जो है वो मेहंदी लगवा रही थी। उसके बाद यहाँ पर जो है चाय वगैरह का भी इंतजाम था, और ये रेजिन आर्टवर्क बहुत ही खूबसूरत आर्टवर्क था, और यहाँ पर मैंने जो है इनको वोट भी दिया क्योंकि बहुत ही अच्छा आर्टवर्क था। और यहाँ पर ये देखे पेस्ट्रीज इतनी खूबसूरत लग रही है, स्वीट्स भी बहुत अच्छी थी। मिस आयशा फारूकी, वी वार्मली वेलकम यू हियर। मिस आयशा, पाकिस्तान, 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 सो हियर्स द ग्लिम्स ऑफ पाकिस्तान एम्बेसडर। तो मैं सोचा चलो इसको जो है ओरिजिनल वॉइस में ही रहने देती हूँ, अच्छा लगता है ना उसको ऐसे ही सुनने में। तो काफ़ी लंबी स्पीच थी तो मैंने सोचा चलो इतना सा क्लिप काफ़ी है, नो कि ज़्यादा लंबी स्पीच वगैरह हो जाए तो इतना कोई इंटरेस्ट लेकर सुनता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो इतना सा क्लिप काफ़ी है और आपको जो है बाकी की चीज़ें, बाकी के स्टॉल्स वगैरह दिखाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा रश होगा और इतने सारे लोग आए होंगे, इतने प्यारे प्यारे स्टॉल्स लगे हुए थे ना। कुछ भी अगर आपने इंडिपेंडेंस डे के लिए लेना था, हर चीज़ अवेलेबल थी, शर्ट्स वगैरह, वैसे कैजुअल जो पाकिस्तानी कपड़े हैं वो भी अवेलेबल थे, खुस्सा अवेलेबल था, ईच एंड एवरीथिंग वाज देयर। और बहुत मज़ा आया ना देखने को, एक अपनापन फील हो रहा था कि यार सभी पाकिस्तानी हैं। तो परदेश में इस तरह से ये जो होता है गेट टुगेदर एक कम्युनिटी का, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है यहाँ पर ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे अरशद नदीम को, तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। For achieving this for Pakistan. Now, ladies and gentlemen, I want to invite another honorable guest today here to make this moment memorable for us. Always, we make a slogan, Pakistan Zinda. ये मेरा जो है फर्स्ट टाइम था कि मैं इस तरह के किसी मेले वगैरह में आई थी, मतलब इस तरह का जो है माहौल जो है प्रदेश में फ़र्स्ट टाइम देखा है, और बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान से वापस आया ना तब जुलाई चल रहा था, तो तब मैंने बहुत कोशिश की कि चलो अगस्त के जो 14 अगस्त के जो ड्रेसेस होते हैं बच्चों के, मैं वो चीज़ें सारी जो है अपनी अज़ल जान के लिए ले लूँ, हर चीज़ ले लूँ, बट जो है कुछ भी नहीं मिला था। मैंने काफ़ी शॉप से पता किया था, तब कह रहे थे कि नहीं जी 1 अगस्त को आएगा सारी चीज़ें, मतलब सब सामान। तब तो मैं वहाँ से कुछ भी नहीं ले सकी थी, तो मैंने जो है हमारे ड्रेसेस जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए हैं, अल्लाह करे कि 14 अगस्त से पहले आ जाए। अगर ना आए तो फिर मुझे एक और फिर से नया इसका ड्रेस लेना पड़ेगा, जो उसके साथ की जो मैचिंग वगैरह ना वो मैंने ले ली थी, ये हेयर बैंड ये वाला, और इसके साथ जो है नेकलेस, और ये मैंने बैज लिया था। मैंने सोचा कि चलो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना मैचिंग वाली, बच्चों की ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने ये चीज़ें फिर उसके लिए ले ली थी। ये था जी मेरा आज का इंडिपेंडेंस डे आज़ादी मेला व्लॉग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।